बैक बैक द वेलकम गाइस, आपको एक स्वागत है आपको एक ब्रांड न्यू पबजी द मोबाइल गेम प्ले वीडियो में, जिसमें हर बार की तरह आपको गलर सीन देखने को मिलेंगे और ये भी देखने को मिलेगा यार तुम्हारा भाई एकदम खतरों से खेल के चिकन डिनर करता है। चलो यार देखो, आए हैं हम अपने प्रमोटरी पे, थोड़ी देर बाद हमको एक एम मिल जाती है, फिर बाकी तो अपनी UGI भी है यार, सस्ती नहीं मतलब ठीक ठाक है, और एक एम से तो हम ही है। फिर यहाँ से यार दूर से एकदम गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही होती है, तो स्कोप तो कुछ है नहीं। फिर अपना हम रेड डॉट वाली साइड से एक बंदा को पेलने की कोशिश करते हैं, देखो। और फिर जब बंदा आखिरी में भाग रहा था तभी मतलब शायद 3-4 ही गोली लगे होंगे एक एम के, पता नहीं सर्वर पे तो नहीं लगेंगे, सर बॉडी पे ही। ये देखो भाई, मतलब एक एम का जो ये है जब ये डैमेज एकदम खतरनाक से। फिर यहाँ पे यार दो दो बंदों की लड़ाई चल रही है, बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ आ रही थी तो हम भाग के आए। फिर सोचे यार एक ही बंदा होगा, फिर देखो यार आगे क्या होता है, एकदम धोखा हो जाता है तुम्हारे भाई के साथ। यहाँ जब मैं घुसा तो यार मेरी फट के 4 हो गई, मैं तो अकेला बंदा सोच के घुसा था, और दो दो कहाँ से आ गए। फिर जब दोनों को मतलब एक एम था इसलिए फिनिश विनिश किया, नहीं तो बाकी यार कोई सस्ती वस्ती गन होती तो ये लोग मेरी पेटी बना देते। फिर बगल से यार फुटस्टेप आने लगे, तो हमारे भाई यहाँ एकदम मस्त से बैठे थे जैसे अपने गार्डन में बैठे हैं, बोला कोई चिंता नहीं भाई, फिर आपको सीधा भेजते हैं लॉबी में जाइए बैठिए, अब गेम के बीच में बैठोगे तो कोई ना कोई पेटी बनाएगा, उससे बढ़िया हम बना देते हैं प्यार से। तो बना दिए फिर, और गन के नाम पे एक एम थी, मतलब गन के नाम पे नहीं है, अच्छी गन है फिर, लेकिन भाई दूर वाला नहीं था ना, मतलब क्लोज रेंज वाली थी बस। फिर हम आपको तो पता ही है जोन हमारे ऊपर कभी बनी नहीं, और ड्रॉप गिरा था, हम चले यार ड्रॉप लूटने। और देखो तुम्हारा भाई इतना लालची है कि रेड जोन इससे पहले बार एक मैच में एकदम यार 8 किल करने के बाद तुम्हारा भाई रेड जोन से ठेला था, फिर भी देखो लालच इतना कि सर ड्रॉप लूटनी है यार, महंगी गने लेनी है। फिर यार ड्रॉप लूटना भी सफल हो जाता है तुम्हारे भाई का, एकदम ग्रोजा मिल जाती है। मैं बोले यार और क्या चाहिए, ज़िंदगी तो सफल हो गई, अब ग्रोजा मिल गई यार एकदम, क्या बोलो खतरनाक गन, आपको तो बताइए यार ग्रोजा की बात। फिर यार ग्रोजा मिलते ही एकदम फटाक से ये भाई हमारे आ जाते हैं, और देखो यार भाई के पास क्या होती है M24, एकदम देखते ही यार मैं खुश हो जाता हूँ यार, चलो यार स्नाइपिंग वगैरह करेंगे एकदम, पट से हेडशॉट लगाएंगे अपने डायनामो भाई की तरह। लेकिन देखो यार आगे मेरे साथ क्या होता है, एकदम पता नहीं यार किस्मत मेरी कौन सी गेम में लिखी हुई होती है, घंटा कुछ नहीं मिलता। फिर वो मेरी जो बाकी मतलब जो सामान ज़रूरी नहीं है फेंक देता हूँ, इसलिए यार मैं उठा लेता हूँ, क्या पता आगे जाके मिले ना मिले, और तुम्हारा भाई ऐसे लालची है ही। और यहाँ पीछे से कोई मुझे मतलब एक दो गोली चटका देता है, फिर यार पानी के अंदर ही डूब के जाके जब देखता हूँ मतलब कोई दिखता ही नहीं है मतलब। फिर मैंने सोचा यार कौन है, पेटी वेटी बनाएंगे, एक आधी किल बढ़ेगी थोड़ी सी तो केडी बढ़ेगी एकदम। फिर यार कोई दिखता नहीं तो हम सीधा आगे जाते हैं, मतलब थोड़े जाके को कहीं खड़े होके ये करेंगे। फिर यार पता नहीं वो बंदा शायद चूजे मुझे वो छत के ऊपर वाला बंदा शायद मुझे मारा, तो फिर मैं इस साइड आ गया। फिर यार इस साइड से भी तगड़ी पड़ी, तो फिर मैं बोला छोड़ो यार सीधा भी, जो छोटा सा ये भी है जो है मतलब वो उसमें घुसते हैं, तो फिर हील वील करते हैं। और भाई हील करते हुए जो बगल से जो फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी ना, मेरी एकदम फट के 4 हो गई थी, क्या पता यार कोई नेट वगैरह फेंक दे तो फिर अच्छा थोड़ी लग गया एकदम। यार आखिरी तक आ गए, टॉप 5 में घुसते हैं, अब बस चिकन चुकन होने वाला है, बाकी
टपक उपक जाए, फेस धोते हैं यार, चलो यार देखा जाए बंदा कहाँ है, फिर पता लगता है कि बंदा ऊपर है, फिर उसे हाय बोलने के लिए सीधा ऊपर चले जाते हैं। देखो यार, देखो बंदा एकदम मस्त टिफी भी लेके एकदम मज़े से अपना लेटा हुआ है, जैसे यार अपना मतलब ससुराल में आया हो। हम बोलते भाई यार ऐसे कैसे, अगर इतना लेटने का शौक है, नींद वींद आ रही है, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ग्रोजा तो पड़ी है, और एकदम फुल चौड़ में हम घुस आए, भाई की पेटी वेटी बना दी एकदम, भाई भी मस्त गए अपने घर में, लेटे उठे होंगे, और क्या भाई का भी ज़िंदगी सफल हो गया, और भाई ने भी एकदम यार टीपी पी लेके ही रखा था एकदम चलाएंगे वो। मेरे पास तो चलो यार ग्रोजा रोजा थी, इसलिए खेल ख़त्म किया, नहीं तो यार कहाँ यार पेटी वेटी बन जाती यार, बहुत बुरा लगता, क्योंकि पिछले दो बार में ही एक बार रेड जोन में खिलाया था, और एक बार यार छोड़ो यार वो किस्मत उस्मत पता नहीं के साथ दे। चलो ये भाई भी हमारे पता नहीं यार, शायद ऑफलाइन वगैरह हो गए होंगे, हम सोचे कोई बात ना, ये एक आधी किल तो मिल रही है, चुरा लेते हैं। और ये भाई देखो हमारा, और लास्ट एकदम फिर चिकन चुकन लिख के आ जाता है यार, मेरी तो यार एकदम जोश थी कि जैसे ग्रोजा वोजा मिली है आज, फेल पाल देंगे, चलो कोई बात नहीं। और आखिरी में देखो M24 काम नहीं आया तो यही कर रहा हूँ, वो क्या करे भाई। ठीक है भाई, अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके भाई, तब तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।